मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रकम पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426 نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته। ख़वातीन व हज़रात, आपका इस्तेक़बाल है प्रोग्राम रूहे रमज़ान में आपके मेज़बान मोहम्मद मज़हरुल क़ादरी के साथ। जैसे कि आप जानते हैं नादरीन, ये प्रोग्राम रोज़ाना हम वक्ते सहर वक्ते इफ्तार इब्तदाए रमज़ान ता इंतहाए रमज़ान रोज़ाना आपके लिए लाते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम जब भी आपकी खिदमत में आते हैं तो एक नई टॉपिक लेकर आते हैं, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं, उलमाए कराम से सवालात करते हैं, उनसे जो है क्वेश्चंस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए कराम जवाब से हमें मुशर्रफ भी करते हैं। तो नादरीन, अब आइए, जैसे कि आज हम एक टॉपिक आपके लिए ख़ास लेकर आए हैं, उस टॉपिक का नाम है दीनी मदारिस और जदीद चैलेंजेस। इस पर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर, जिसे आप हम बहुत पसंद करते हैं, सुनते हैं और बार बार सुनना भी चाहते हैं, और अक्सर वो बेशतर वो हमारे ऐवानों में आते हैं और हमारे ऐवान को मुनव्वर भी करते हैं और कुरान व अहादीस की रोशनी में मुदल्लल जवाब से हमें मुशर्रफ भी करते हैं। तो आज के हमारे मेहमान आलिम दीन हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ओवैस साहब क़ादरी जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप तो मौलाना का तारुफ अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी आइए मैं मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखता हुआ चलूँ। मौलाना जो है हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी जामिया निज़ामे से आपने कामिलुल हदीस किया है। इसके अलावा मौलाना अल हसन इस्लामिक एकेडमी के आप बानी हैं, आपका मदरसा चलता है, आपका जो है एक बहुत बड़ी खिदमत आपकी शहर गुलबर्गा में है। इसके अलावा टीपू सुल्तान कॉलेज में आप लेक्चरर भी है, और आपके कई खिदमत है, आप हमेशा मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर हमेशा आप सुर्खियों में रहते हैं, हर वो सवालात का जवाब आप मुदल्लल अंदाज में देते हैं। तो आइए नादरीन करा, आप ये भी जानते हैं कि प्रोग्राम के स्टार्ट में, आगाज़ में हम नात पाक भी शामिल करते हैं। तो आइए, आज के हमारे मेहमान नातखा होंगे आली जनाब शेख शाहवली, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो शामिल होते हुए हमारे प्रोग्राम में नात से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا ہدیہ پیش کریے، پڑھیے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله هرا گنبد جو دیکھو گے जमाना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे न
इतरा ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। अगर तुम और से मेरे नबी की नात सुन लोगे, निशाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। खवातीन हज़रात, आप नाते पाक समाप्त कर रहे थे। अब आइए हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मौलाना की तरफ, हमारे मेहमान की तरफ मुतवज्जे होंगे। तो जैसे कि आपने समाप्त किया कि आज की हमारी टॉपिक है दीनी मदारिस और जदीद चैलेंजेस, इस पर हम गुफ्तगु करेंगे। जी जनाब, ओवैस कादरी साहब हमारे साथ हैं। जी मौलाना, मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि आज हमारी टॉपिक है, लेकिन इससे पहले आप हमें दीनी मदारिस की अहमियत और इफादियत पर कुछ रोशनी डालें। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اسلام میں دینی مدارس جو رول ادا کرتے ہیں اور تعلیم کو پھیلانے کا ذریعہ جو سب سے بڑا آج ہے ہمارے پاس وہ ہے دینی مدارس۔ دینی مدارس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات اور تاریخ اسلام، اسلاف کی تعلیمات اگر کسی مقام سے امت تک پھیلتی ہیں، ٹرانسمیشن جو ہوتا ہے، تو وہ سب سے بڑا مقام ہمارے دینی مدارس ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دینی مدارس میں نہ صرف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بلکہ بچوں کو ان مطلب نہج پہ اتار کے پڑھایا جاتا ہے کہ کیسے کتابوں کو سمجھے، کس انداز میں سمجھے۔ اب فقہ یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے تو صرف قرآن و حدیث نہیں پڑھاتے بلکہ ان کے اصول بھی پڑھائے جاتے ہیں، ان کے مطلب ایک فاؤنڈیشن سے بچوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور اسلامی مدارس میں بچوں پر جو کام ہوتا ہے وہ بچوں کی زندگی بدل دیتا ہے، اور بچوں میں خود بخود وہ اسلامی انقلاب، اسلامی مزاج اور دین کی خدمت کا جذبہ، فروغ دین پر کام کرنے کا حوصلہ ان میں اتنا آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب بچے نکل کر آتے ہیں تو بس اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جبکہ ان کے سامنے ان کے اپنے رشتہ دار اور بھی بچے بڑے بڑے پیسوں کی طرف جاتے ہیں تجارت میں، لیکن یہ بچوں میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیسہ ملے یا نہ ملے، مجھے دین کی خدمت کرنا ہے۔ تو بچوں کو اس طرح نکھار کے ایک دینی تعلیم کا جذبہ دے کے دینی تعلیم سے، دینی مدارس سے باہر بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے دینی تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دینی تعلیم کو اگر ہم یہ کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ دینی مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔
ये इस्लाम का एक दीनी तालीम का बहुत बड़ा तहफ़ दीनी मदारिस से होता है, इसलिए दीनी तालीम मदारिस की अहमियत बहुत ज़्यादा और हालिया इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा दीनी तालीम की अहमियत है, इसलिए कि लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं, एक दीनी मिजाज हटता जा रहा है, ऐसे मौके पर दीनी मदारिस की अपनी अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी मौलाना, एक और एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि अक्सर व बेशतर जो मीडिया होती है, जो न्यूज़ चैनल्स पे कभी कभी डिबेट्स होते, उस पर जो है मदारिस को लेके प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है और कई इल्ज़ाम मदारिस पर लगाए जाते हैं, इस हवाले से कुछ? देखिए, मीडिया का एक सेक्शन है, चंद लोग हैं जो इस तरह टारगेट बनाते हैं दीनी मदारिस को और गैर ज़रूरी अफवाहें, रूमर्स और इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, जबकि अगर देखा जाए तो दीनी मदारिस में बच्चों को जो सबसे पहली लाइन सिखाई जाती है वो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है, यानी बच्चों को जो सबसे पहली लाइन सिखाई जाती है वो रहमत की तालीम दी जाती है और अमन व अमान, दुनिया के साथ हर मजाहिब के साथ रहने वाले लोगों के साथ मोहब्बत, भाईचारगी और अमन पसंदी, ये बच्चों को तालीम दी जाती है। और कुरान शरीफ जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले लाइन ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। उसके अलावा हमारे जो बच्चों को मदारिस दुनिया में सिखाया जाता है वो बाज़ब्ता मसाइल सिखाए जाते हैं कि गैर मुस्लिम के साथ किस तरह मोहब्बत का रवैया बरता जाए, बाज़ब्ता बच्चों को पढ़ाया जाता है उनके साथ मुआमलात में कैसे रहें। हदीस शरीफ में है, ये भी हमारी हदीस शरीफ, ये भी हमारे मदारिस में पढ़ी जाती है, एक हदीस शरीफ है अबू दाऊद की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अला मन ظلم معاهدا او انتقص او كلف فوق طاقته او اخذ منه شيئا من غير طيب نفسه فانا حجيجه يوم القيامه او كما قال عليه السلام, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो, अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम पर कोई जुल्म करेगा या उसको जलील करेगा या ताकत से जायद उस पर बोझ डालेगा तो कल क़ियामत के रोज़ उस मुसलमान के अगेंस्ट में उस गैर मुस्लिम के फेवर में मैं गवाही दूंगा। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है और ये अहादीस हम हमारे मदारिस में सिखाई जाती हैं, बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो ये जो इल्ज़ाम जो मदारिस इस्लामिया पर लगते हैं कि यहाँ पर इंतहा पसंदी की तालीम दी जाती है, ये मीडिया के चंद लोग हैं जो उनका एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पे हम जाकर बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ अमन सुकून और एक मतलब पाकिज़ा ज़िंदगी बग़ैर किसी ख़राबे की, बग़ैर किसी इंतहा पसंदी की अगर तालीम दी जाती है तो मदारिस इस्लामिया में दी जाती है। लिहाजा मदारिस इस्लामिया पर जब कभी इल्ज़ाम लगते हैं तो आप समझ जाएँ कि ये महज इल्ज़ाम हैं, हकीक़त से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाज़रीन आपने समाअत किया कि दीनी मदारिस की क्या अहमियत होती है। ज़रूरी भी है, एक मुसलमान होने के बाद हमें दीनी तालीम से जोड़ना भी चाहिए और इस्लामिक जो एजुकेशन होता है वो हासिल भी करना चाहिए। नाज़रीन अब आइए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। मदनी मीनार, आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में, मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रब पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट सागर फर्नीचर निम्म मने मत्तष्टु अंदगोळिसलु गुलबर्गादल्लि आरंभवागिदे। सागर फर्नीचर निम्म मनेगे अगत्यवाद सोफा सेट, डाइनिंग टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल्स, साइड टेबल्स, सेंटर टेबल्स, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಜೂಲಾಗಳು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. फिर से नाज़रीन इकराम, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम रोहे रमज़ान में आपके मेज़बान मोहम्मद मज़हरुल पादरी के साथ. जैसे कि आपने समाअत किया, हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो जवाबात से हमें मुशर्रफ़ कर रहे हैं, जो आप और हम सुन भी रहे हैं. और आज के हमारे टॉपिक है दीनी मदारिस और जदीद चैलेंजेस, इस पर गुफ्तगू की जा रही है. नाज़रीन, ज़रूरी भी है कि आज जो मदरसों को लेकर जो बदनाम किया जाता है, मदरसों के आड़ में जो लोग गलत जो काम करते हैं और लोगों को उचकाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ तक कि यह बतलाया जाता है कि बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स जैसे चीज जो है मदारिस में बनाए जाते हैं, इंतहा पसंदी तो ये हो गई नाजरीन कि बाज हम जब मीडिया को देखते हैं, जब हम चैनल्स को देखते हैं, जब हम जो है सोशल मीडिया पर जब हम देखते हैं, तो कई लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं कि मदारिस में जो है दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, वहां पे लोगों को मारने की तालीम दी जाती है, कत्ल व गारत की तालीम दी जाती है. ऐसा नहीं है मुअज्जज हाजरीन. तो अब आइए फिर आगे बढ़ते हैं. मौलाना, मैं एक और एक बात पूछना चाहूंगा कि दीनी मदारिस और जदीद चैलेंजेस क्या क्या है. ये बहुत अहम सवाल है कि दीनी मदारिस पर चैलेंजेस क्या क्या है. देखिए, आप जानते हैं कि आपके पास एक व्हाट्सएप फॉर एग्जाम्पल आप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, कोई भी चीज, तो उसके बाद क्या होता है कि आप एक महीना या 15-20 दिन के बाद आपको क्वेश्चन करता है, वो डिमांड करता है कि आप अपडेट करिए. जब तक अपडेट नहीं करेंगे वो फंक्शन ही नहीं करता है जी. तो मतलब क्या है कि दुनिया में अपडेशन होना चाहिए जी. क्या भी चीज़ में, कोई भी चीज़ बगैर अपडेट के नहीं चलती. आप किसी भी मैदान में लीजिए, एक ताजिर कोई साहब हैं, कोई तिजारत करते हैं, तो पहले वो किसी और अंदाज में करते थे, आज उनका अंदाज भी बदल गया जी. ठीक है, तो इसी तरह तालीमी अंदाज में भी हमको मदारिस में बहुत बहुत चीज़ों में हमको अपडेशन करना है, बहुत चीज़ों में हमको जो है आगे आना है. तो एक सबसे बड़ी चीज़ उसमें है तालीमी निसाब. हमारे मदारिस में जो निसाब होता है, निसाब में हमको बहुत इस्लाह की ज़रूरत है, बहुत मतलब उसको अपग्रेड करना है, हमको अपडेट करना है उसमें. उसके साथ साथ हम जो दूसरा काम मदारिस इस्लामी में ज़रूरत है वह है कि तालीम का जो एक निज़ाम होता है, तरीक़ा होता है, उसको हम अपग्रेड करें, एक अच्छे अंदाज में लेकर आए. इसकी ज़रूरत है वाकई में, चूंकि हम मदारिस में रहें, हम देखे हैं. तो और ये बात ऐसी नहीं है कि मतलब इसके ये बातें बोलना, मदरसों के ख़िलाफ़ बोलना, ऐसा नहीं है. बल्कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ मदरसा, किसी मदरसे के स्टूडेंट रहने के नाते ये जो हम देखे हुए हैं वो बता रहे हैं. और इसके अलावा जो जिस चीज़ की ज़रूरत है कि वो जो एक कमेटी होती है जी. जो पूरे निज़ाम तालीम को चलाती है, इंतजामिया, उसमें भी बहुत सी इस्लाह की ज़रूरत है. उसके बाद जब बच्चे वहाँ पर रहते हैं तो बच्चों के रहन सहन में एक दीनी तालीम के साथ साथ मौजूदा हालात से बच्चों को वाकिफ़ करवाना जी. तो इस लिहाज से वह जो बच्चे रहते हैं हॉस्टल्स में, उनके रहने के अंदाज में भी इस्लाह की ज़रूरत है. इस तरह दीनी तालीम मदारिस में हम देखेंगे तो कई एक चीज़ों की ज़रूरत है. अगर हम वो करेंगे तो यकीनन हमारे मदरसे एक बड़े पैमाने पे दीन की खिदमत करेंगे, और लोग इन मदरसों में भी बच्चों को भेजने की ऐसी ही कोशिश करेंगे, चाहेंगे, जैसे कि स्कूल्स को भेजने पे वो फ़ख्र करते हैं जी. आमतौर पर क्या होता है कि लोग स्कूल्स भेजने के लिए बच्चों को जल्दी तैयार होते हैं और कर भी रहे हैं. मदारिस की अगर हालत देखें आप, हमारे शहर का हाल लीजिए या कहीं पूरी जो हिंदुस्तान का हाल लीजिए, मदारिस में कहत है जी. बच्चों का कहत है, बच्चे नहीं आ रहे जी. कई वजूहत हैं उसके. सबसे पहली वजह यह है कि लोग ये समझ रहे हैं कि बच्चे वहाँ पर जाने के बाद उनका फ्यूचर क्या होगा जी, इसलिए कि वो दूसरों के फ्यूचर्स देख चुके हैं जी जी. तो वो देख कर वो अपने बच्चों पर कयास करेंगे, जब वो बच्चों का फ्यूचर ये है तो हमारे बच्चों का क्या होगा जी.
दूसरी चीज़ ये है कि मदारिस में पढ़ाने को लोग जो है वो अपने मतलब एक मसला भी बना चुके हैं कि मेरे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, दूसरों के बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम वगैरह, और मदारिस में वो आमतौर पर तालीम नहीं दी जाती है जो स्कूल्स में दी जाती है, मतलब मौजूदा हालात के हिसाब से इंग्लिश, सियासत, फला साइंस वगैरह। तो इन तमाम मसाइल को लेकर वजह यह बनी कि हमारी कौम चाहती तो है मदरसे को, मदारिस को चाहती है, मदारिस से मोहब्बत है और मदारिस के पढ़ने वाले बच्चों से भी मोहब्बत है। आपकी इत्तला के लिए वो घर में जब भी उनके लिए कुछ सदका व खैरात करने की बात आती है तो फौरी ख्याल मदारिस का आता है। तो ऐसा नहीं कि मदारिस से लोग जो है नफरत करते हैं या मदारिस को चाहते नहीं, मदारिस को चाहते हैं, उसके बावजूद वो मदारिस को भेजना नहीं चाहते। तो हमको ये करना है कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह पर लोग मदारिस को भेजना नहीं चाह रहे हैं। हम उन वजूहात पे अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे स्कूल आबाद हैं, हजारों की तादाद में बच्चे हैं, मदरसों में भी वैसे बच्चे आएंगे। तो हमको इस जानिब तमाम गोशों पे हमको काम करने की जरूरत है। मौलाना, मैं एक और एक सवाल जो मुझे बेचैन कर रहा हूँ कि अक्सर जैसे कि आप इंतजामिया की बात की तो बाज मदारिस में ऐसा देखने आता है कि एक काम चलता है, अब उनसे ये कहा जाता है कि इसको अपडेट कीजिए, इसको हालत हजरा के तनाजुर में आप इसमें जो है और उभार लाइए, तो कहा जाता है कि कई सालों से चल रहा है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो इस सिलसिले में इंतजामिया हो या कोई और हो। देखिए ये जवाब एक मतलब समझदार मुसलमान का शेवा नहीं है, ये जवाब उसका जवाब नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत शरीफा ये रही, जैसा कि हमने इससे पहले भी कहा था कि बदलते हालात के हिसाब से अपने अहकाम को भी, मतलब अहकाम का मतलब अपने तौर तरीक़ों को बदलना चाहिए जी, हालात के हिसाब से ढालना चाहिए, और इस्लाम इसकी भरपूर तालीम देता है, बहुत से हमारे पास मिसालें हैं। तो ये कहना कि ये पहले से निज़ाम चला रहा है, ये जवाब ही नहीं है पहले से निज़ाम चला रहा है। अगर मैं इसको और ज़रा अंदाज में कहूँ तो ये जवाब तो मुशरिकीन का था, वो कहते थे कि इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, कि हम हमारे आबा व अजदाद को एक उम्मत पर यानी एक तौर तरीके पर पाए थे और हम इसी की इख्तिदा करने वाले हैं। तो एक मुसलमान का ये जवाब नहीं होता, मुसलमान एक बड़ा हसास इंसान होता है, उसकी नज़र, उसकी सलाहियत, उसकी सोचने की सलाहियत और देखने का अंदाज हर चीज़ हालात के हिसाब से होना चाहिए। तो ये जवाब देना कि पहले से चला रहा है तो अब उसको नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। जो हालात के हिसाब से, जैसा कि आप देखते हैं कि स्कूल्स में चंद सालों में तब्दीलियां आती हैं कई चीज़ों में, तो ऐसी तब्दीलियां हमको लानी चाहिए, निसाब में भी तब्दीली। अगर निसाब की हम बात करेंगे, देखिए कि हमारे पास निसाब में क्या होता है, बड़ा एक लेंदी हमारा निसाब होता है मदारिस में, बच्चे को बस वही पढ़ते जाना है। अब वो निसाब में हालात हाजरा से उसका कनेक्शन आमतौर पर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एक लंबी फॉर एग्जांपल अगर हम तफसीर पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि हम आप भी मदरसे के फारिग हैं, हमारे पास एक तफसीर पढ़ाई जाती है तफसीर जलालैन जी, एक साल में हमको पूरे 15 पारे पढ़ने होते हैं जी बेशक। आप बताइए कि आप जानते हैं कि उसमें तातीलात भी आती हैं, फिर बच्चों के अपने निजी मसाइल भी होते हैं, कभी कहीं जाना होता है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या 15 पारे एक साल में तफसीर हो सकती है? तो जाहिर बात है नहीं हो सकती। मतलब जिस तरह तफसीर को पढ़ने का हक होता है, एक आयत जब हम पढ़ते हैं तो आयत में उसका शान नुज़ूल, उसका पस मंज़र, फिर उस आयत से निकलने वाले अहकाम, फिर उस आयत के ताल्लुक से अहादीस, फिर उस आयत से मिलने वाले सबक, एक आयत पर हमको कई चीज़ बेहतर अंदाज में पढ़नी होती है और हम दीगर तफासिर को जाते हैं तो चंद आयतों के बाद वो कई सफ़ात की तफसीर लिखते हैं जी। तो जो बच्चे मदारिस में पढ़ रहे हैं उनको तो बेहतर अंदाज में पढ़ना पड़ेगा, जाहिर बात है, इसलिए कि अवाम अगर थोड़ा सा भी सेक्शन उसका पढ़ लेती है तो काफ़ी है जी। अवाम के लिए तफसीर, लेकिन जब एक तालिब इल्म जो ठेठ मदरसे में पढ़ के कालिम दीन बनने वाला है, कौम की असलाह के लिए जाने वाला है, तो उसकी जो है तदरीस जब हो रही है उसको पढ़ा रहे हैं तो जाहिर बात है हमको डिटेल अंदाज में जाके पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हम एक साल में 15 बार उनकी तफसीर पढ़ेंगे तो ये होने वाली बात नहीं है जी। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर हमको इस जो अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, उसको हम तकसीम करें तफसीर को, यानी जैसा कि एक बच्चे का माइंड आप देख सकते हैं कि देखें कि तलबा कितना पढ़ सकते हैं एक साल में, तो हम उतने सूरों को तकसीम करें, कुरान शरीफ को इतने सालों में, 2 साल 4 साल 5 साल में तकसीम करें, और तकसीम करके पूरी कुरान शरीफ को इतने सालों में पढ़ाएं जी। बजाय एक साल में ये मुकम्मल तफसीर, दूसरे साल में वो मुकम्मल तफसीर, ऐसा करने के बजाय
पूरी कुरान शरीफ को चंद सालों में तकसीम करके पढ़ाएं, ये हुआ तफसीर का। इसी तरह दीगर तमाम तरह के सब्जेक्ट्स हैं, बजाय हर साल एक नई मुकम्मल किताब पढ़ाने के, उस सब्जेक्ट को कई सालों में तकसीम करके उसको गहराई से अगर पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह इसका जो फ़ायदा है ये बहुत ज़्यादा तलबा को आएगा, उसमें मजबूत बनेंगे जी, फन में माहिर बनेंगे जी। मौलाना महक, माशाल्लाह आपने बहुत खूब जवाब दिया। मैं एक और एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आज जो हमारी मुस्लिम मुआशरा बोलिए या मुस्लिम हमारी कम्युनिटी बोलिए आप, इस ज़िमन में जब मदारिस में जब बच्चों को शरीक करने की बारी आती है तो लोग जो है बिल्कुल बेजारपन महसूस करते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो इसमें वजह खुद इंतज़ामिया की वजह है, इंतज़ामिया की मतलब इसमें नाकामी है, जो मदारिस चलाते हैं उनकी अपनी गलती है इसमें, और दूसरी वजह लोगों का अपना सोचना भी है। इंतज़ामिया की जहाँ तक बात है, इंतज़ामिया ने मदारिस में जो स्कूल्स में हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और भी जो दीगर स्कूल्स होते हैं जो असर हाजिर में दौर हाजिर की असरी तालीम हम देखें, वहाँ पर बच्चों का रहन सहन अगर आप देखें जी, बिल्कुल एक मतलब महजबाना होता है वहाँ पर जी, बच्चों के नाखून भी देखे जाते हैं, बच्चों का लिबास भी देखा जाता है, वो टाई भी अगर गलत पहने तो वो उनको डांटा जाता है, बाल उनको जो है कंघी करके आना होता है, हर एतबार से बच्चों को वहाँ पर मतलब सफाई सुथराई हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसके बनिस्बत आमतौर पर होता है कि मदारिस में इस जानिब वैसी तवज्जो नहीं होती हर एक की, बाज़ मदारिस हैं माशाल्लाह वो देखने के बाद तबीयत में एक इंबिसात आ जाता है, ऐसा भी है मदारिस, लेकिन अक्सरियत की हम बात कर रहे हैं तो एक इसका भी असर लोगों पे पड़ता है जी, कि लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो इतना बेहतरीन निज़ाम है, जबकि इस्लाम ये कहता है कि अत्तहूर व शत्रुल ईमान, पाकी आदा ईमान है, ये तो दीन की तालीम है, ये तो असरी उलूम में हो रहा है या मदारिस में नहीं हो रहा है जी, तो इसका असर तो वो ज़रूर लेंगे। तो दूसरी बात यह कि मदारिस में हमने तालीम को सिर्फ कुरान हदीस और चंद तारीख़ इस्लाम पर रख दिया, वहीं पर रोक दिया, इसकी वजह से जब बच्चे मदारिस से फारिग होकर बाहर आते हैं तो उनके पास कोई स्कोप्स और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, मतलब माशी एतबार से बच्चे वैसा आगे बड़ा काम नहीं कर पाते जो कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आमतौर पर करते हैं जी। तो इन बच्चों के लिए तो बहुत से मौाक़े होते हैं लेकिन उन बच्चों के लिए वैसे मौाक़े नहीं होते जी। तो इसका नतीजा है कि वो चंद अपने हलकों में ही रह जाते हैं, चंद अपने काम फिक्स हो जाते हैं, इमामत वगैरह ट्यूशंस वगैरह। तो अगर हम ये देखें कि मदारिस में जिस तरह हम मजबूत बच्चों को बना रहे हैं कुरान हदीस में, इसी तरह उसके साथ साथ हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएं, बच्चों को हम सियासत भी पढ़ाएं, बच्चों को हम ज्योग्राफी भी पढ़ाएं, माहौलियात भी पढ़ाएं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाएं, तो बच्चे हमारे न सिर्फ दीनी तालीम में मजबूत होंगे बल्कि उनको हालात हाजिरा से भी वाकिफियत हो जाएगी जी। तब ऐसा हो जाएगा तो बच्चे जब मदारिस से निकलेंगे तो उनके सामने इतना मैदान खुला रहेगा, वो उसके बाद या तो एक मस्जिद के इमाम भी बन सकते हैं, वो किसी कॉलेज के लेक्चरर भी बन सकते हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी बन सकते हैं, मतलब उनके सामने इतनी राहें जब हमवार होंगी तब बच्चे ऐसा काम करेंगे। तो कौम भी देखिए कि मदारिस से पढ़ने वाले बच्चों के सामने इतने ऑप्शंस होते हैं, बच्चे किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। तो अगर हमारे मदारिस के इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ये देखे कि हमारे पास पढ़ने वाले बच्चों के हम फ्यूचर का भी ख्याल रखें जी, सिर्फ नहीं कि बच्चे चंद साल में पढ़ के निकल रहे हैं, वो नहीं, बच्चों का फ्यूचर अगर हम देखें कि बच्चे यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे और उनको हम कितनी राहें हमवार कर सकेंगे, अगर ये करेंगे तो यकीनन बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो ये तो हो गया इंतज़ामिया का मसला। लोगों का परसेप्शन ये है, लोग ये समझते हैं कि मदारिस से पढ़ने वाले बच्चों को मतलब ज़्यादा मालूमात नहीं होती, ये भी बात भी गलत है। सबसे पहले देखें कि मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे ये जो खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, और वैसे तो तमाम उलूम अगर अच्छी नीयत से किए जाएँ तो वो भी दीनी इल्म होता है। कोई एक इंजीनियर बन रहे हैं और अच्छी नीयत से इंजीनियर बन रहे हैं कि मैं इंजीनियर बन के गरीब की मदद करूंगा या हलाल रोजे कमा के घर वालों को खिलाऊंगा, तो ये भी दीनी इल्म बन जाता है, लेकिन असल में जो दीनी इल्म है मतलब जो ठेठ जिसका ताल्लुक दीन से है वो कुरान हदीस का इल्म जी। और ये जो कुरान हदीस का इल्म पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा नूर आता है जो किसी और के पास नहीं आता। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो खुशखबरी है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये इन्हीं बच्चों के ताल्लुक से, तो इनके पास जब कुरान हदीस का इल्म आता है तो साथ में एक नूर आता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सीनों को पाक रखता है। तो आप ये देखें कि दीनी मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों के साथ अल्लाह की खास रहमत होती है और जब तक ये तालीम हासिल करते हैं ये अल्लाह के नबी के मेहमान होते हैं।
तो हमारे कौम में ये भी हम जो है एक परसेप्शन को अच्छा करें कि ऐसा नहीं कि मदारिस के बच्चों को नहीं आता है, वहाँ पर वो बच्चे ही जो मदारिस में पढ़े हैं वो इमाम गजाली बने हैं, वही फखरुद्दीन राजी बने हैं जो मदारिस में पढ़े हैं, और वही दुनिया में रह के वो आसमानों की इत्तलात दिए थे बरसा बरस पहले, अभी साइंस का कोई वजूद नहीं था, उन्होंने सितारों की बात कही। और आपको इत्तला होनी चाहिए कि बहुत बड़े हमारे साइंसदान हैं, एक तकरीबन 800-900 साल पहले उन्होंने औकात के पूरे निज़ाम को बनाया था, टाइम टेबल को, जब अभी कोई सोच भी नहीं सकते थे, और शायद 911 ईस्वी में 11 हिजरी में शायद या ईस्वी 11 ईस्वी में 11वीं ईस्वी में एक साइंसदान ने हवाई जहाज का कॉन्सेप्ट दिया था जी, और वो उड़कर भी बताए थे तो मतलब बताना ये कि दीनी तालीम पढ़ने वाले कुरान और हदीस पढ़ने वालों में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ऐसा जहन देता है कि उनके सामने हर तरह का इल्म छोटा नजर आता है कुरान और हदीस पढ़ने के बाद। तो हमारे लोग ये जहन से निकाले कि दीनी मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों में वो सलाहियत नहीं होती, ऐसा नहीं है। यहाँ पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत सीना खोल देता है, जहनों को खोल देता है, और बहुत इल्म इन बच्चों के सीनों में आता है। बहरहाल लोगों को भी अपना तसव्वुर बदलना चाहिए दीनी मदारिस के ताल्लुक से, और इंतजामिया को भी अपना इंतजाम ठीक करना चाहिए। अगर ये दोनों तरफ से हो जाएगा तो फिर हमारे मदरसे आबाद हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन अभी आपने देखा कि पादरी साहब ने कितनी अच्छे जवाब से हमें मुशर्रफ किया। यकीनन हालत हज़रा के तनाजुर में आपने बतलाया कि दीनी मदारिस की क्या अहमियत है, उसकी क्या अफादियत है। अब आइए नाज़रीन करा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रब पैदा करें। मदनी मीनार हागरगर रोड गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट सागर फर्नीचर निम्म मने मत्तष्टु अंदगोळिसलु गुलबर्गादल्ली आरंभवागिदे। सागर फर्नीचर निम्म मनेगे अगत्यवाद सोफा सेट, डाइनिंग टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल्स, साइड टेबल्स, सेंटर टेबल्स, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು। ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ। ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777। ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020। मोहतरम नादरीन, फिर से आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम रूहे रमजान में, आपके मेजबान मोहम्मद मजहरुल कादरी के साथ। जैसे कि आप समाअत कर रहे थे कि आज की हमारी टॉपिक दीनी मदारिस और जदीद चैलेंजेस पर हमारे मेहमान आलिमुद्दीन हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद उवैस साहब कादरी काफी अच्छे अंदाज में जवाब दे रहे थे, जिससे आप और हम गोश गुजार भी कर रहे थे। तो आइए उसी तरफ और मुतवज्जे करते हुए हम मौलाना से आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल करेंगे। जी मौलाना, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, जो मदारिस जो होते हैं, इन मदारिस में जिन टीचर्स का इंतखाब किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो ये
किस तरीके की हो, इनका इनकी किन काबिलियत को देखकर जो है मदारिस में इनको जो है रखा जाए? देखिए, ये भी बहुत ही अहम सवाल है और बहुत ही इस पर गौर करने की ज़रूरत भी है। इस मसले पर एक हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत से एक मरतबा मेरी मुलाकात हुई थी, गुलबर्गा में ही वो आए हुए थे, तो मदारिस पर गुफ्तगू छिड़ी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई जिससे 100% मैं एग्री करता हूँ और लोगों को भी मैं ख़ास तौर पर मदारिस के इंतज़ामिया को मशवरा दूंगा जो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि देखिए मौलाना, ये होता है कि जब किसी स्कूल में पढ़ाने की के लिए टीचर्स की बात आती है, टीचर्स को अपॉइंट करना होता है, तो वहाँ पर एक कंडीशन है, अगर आप BA भी किए हुए हैं, उसके अलावा आप जो है मास्टर डिग्री भी किए हुए हैं, इवन अगर आप PhD भी किए हुए हैं, तो स्कूल में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपॉइंट नहीं करते, उसके लिए BEd होना ज़रूरी है। BEd, DEd, ये दो, अब तो 2 साल का हुआ है BEd, से आगे अगर हम जाएंगे तो DEd है, ये कोर्सेस ये ज़रूरी है दीगर तालीम के साथ साथ जी। और इन कोर्सेस में क्या पढ़ाया जाता है, सिर्फ वही पढ़ाया जाता है कि पढ़ाने का तरीका कैसा हो, बच्चों के नफ्सियात से वाकिफ हों और बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्यों बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, फिर पढ़ाने के क्या क्या तरीके होते हैं, किस किस अंदाज से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। महज बच्चों को टीचर्स को 2 साल यही पढ़ाया जाता है कि कैसे पढ़ाएं, तब जाके वो अगर सर्टिफिकेट लेंगे उसमें कामयाब होंगे इम्तिहान में, तो तब जाके उनको टीचर बनाया जाता है जी। तो उन्होंने कहा मुझसे कि बताइए हमारे मदारिस में ऐसा कौन सा निज़ाम है, हमारे पास मदारिस से पढ़े सीधा टीचर्स बन जाते हैं जी। हमारे पास वैसा निज़ाम नहीं है जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिविटी और जो फ़ायदा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। तो यकीनन ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम इस तरफ भी कोशिश करें कि मदारिस में जैसा हमारे पास एक कोर्स होता है, कोर्स होने के बाद एक मुख्तसर क्यों ना हो, एक कोर्स ऐसा ही बनाया जाए कि उसमें तालीम के तरीक़ों पर बात हो जी। और उसमें सब तरीक़े जो मौजूदा मॉडर्न जो तरीक़े हैं पढ़ाने के, इनको भी सामने रखें, सिर्फ ऐसा नहीं कि चंद मुस्लिम राइटर्स के लिखे हुए तरीक़ों पर बात करें, सब तरीक़ों पर जो मौजूदा तालीम के जो जो उसूल ज़ाबिते तरीक़े हैं सबको उसका एक सिलेबस बना कि ये भी हमारे मदारिस में उन बच्चों को पढ़ाएं जो फारिग हो रहा है, तो ये कोर्स करने के बाद वो बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे जाके पढ़ाने के। जी जी, सुभानअल्लाह। अगर हम इस तरीके को अपनाएंगे तो ऐसे टीचर्स जब मदारिस में जाके पढ़ाएंगे तो वो दीन और दुनिया दोनों को जहन में रख के बच्चों को पढ़ाएंगे जी। किस किस अंदाज में नहीं देखें, अब हम जब मॉडर्न स्कूल्स में देखते हैं जी। तो क्या तरीके हैं, छोटा बच्चा चंद ही दिनों में बेहतरीन अंदाज में वो पोएम्स पढ़ने लगते हैं, हर चीज बच्चे जो है मतलब वर्ल्ड के उनके पूरे कैपिटल्स बच्चों को याद हो जाते हैं जी। राजधानी पूरी दुनिया की कंट्रीज की राजधानी बोलते हैं, अलग अलग अंदाज में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत मतलब एक बिल्कुल अनोखा अंदाज होता है पढ़ाने वालों का। तो अगर हमारे मदारिस में भी इसका एहतमाम करें कि फारिग होने वाले लोगों को हम पढ़ाने के उसूल पर भी एक सिलेबस रख के पढ़ाएं और ये उसको पढ़ के बाद में जाके पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा बच्चों को फ़ायदा होगा। तो जैसा कि हमने इसमें बताया तो ये हुआ असातिदा के ताल्लुक से, फिर सिलेबस भी बच्चों का मदारिस का ऐसा बनाएं जो जिस सिलेबस में पूरे इस्लामी उलूम भी आ जाएं और उनको बेहतर अंदाज में पढ़ाने के लिए हम सिलेबस को तकसीम करें, बजाय एक बड़ी किताब को साल भर पढ़ा के फिर दूसरे साल दूसरी किताब पढ़ाने के, एक ही किताब को रखें उसको 4-5 साल पढ़ाएं अगर वो ज़्यादा ज़खीम हो तो। अच्छा, अच्छा, जी। तो उसमें हर चीज़ हम ला सकते हैं, उस तफसील के साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों में एक मजबूती और सलाबत आ जाएगी, वरना ऐसा ही हो जाएगा कि बरल एक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ना है, तो इससे बच्चों में जो मजबूती आनी चाहिए उसमें बहुत कमी होती है, बस चंद बच्चे वैसे निकल जाते हैं, निखर वो अपनी ज़ाती मेहनत से अपनी ज़ाती काविशों से वो पढ़कर आगे निकलते हैं ऐसे भी माहौल में, लेकिन जब हम वो काम पूरा एक मुनज़्ज़म अंदाज में करेंगे तो बहुत बड़ी तादाद निखर कर सामने आ जाएगी और मदारिस आबाद हो जाएंगे और मदारिस में पढ़ने वाले तलबा भी जदीद हालात के अतबार से लोगों को फेस करके उनके उनके जहनों के हिसाब से जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। नाज़रीन, आपने समाप्त किया कि इस्लामिक एजुकेशन के बारे में मौलाना ने कितनी अच्छी बातें की, हमने मौलाना से जो भी सवाल किया अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसका जवाब बड़ा तशफ़ी बख्श दिया, हम जो है मौलाना आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, जज़ाकअल्लाह खैर, प्रोग्राम में आया वक्त दिया जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो मोहतरम नादरीन, याद रख ली ये प्रोग्राम रोज़ाना वक्त सहर वक्त इफ्तार आपके मेज़बान मोहम्मद मजहर पादरी के साथ नशर किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को देखने के साथ अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी बताएं, जैसे कि आप और अच्छी तरह जानते हैं कि हम प्रोग्राम के
स्टार्ट में इब्तिदा में हम नाते पाक से करते हैं, उसके इख्तिताम भी नाते पाक से करते हैं। तो अब आइए एक नातखां को शामिल करते हैं, प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। बाहर लूटेंगे हम करम के, दिलों को दामन बना बना कर। सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाम के सखी है कोई ना उनके जैसा, गनी है कोई ना उनके जैसा। सखी है कोई ना उनके जैसा, गनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से, नवाजते हैं बुला बुला कर। सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। है उनको उम्मत से प्यार कितना, है अब्र रहमत शियार कितना। है उनको उम्मत से प्यार कितना, ये अब्र रहमत शियार कितना। हमारे जुर्मों को धो रहे हैं, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं। हुजूर आंसू बहा बहा कर। सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। यही एहसास अमल है मेरा, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी। यही एहसास अमल है मेरा, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी। समेटता नबी की नाते सुना सुना कर। सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। बाहर लूटेंगे हम करम के, दिलों को दामन बना बना कर।
मदनी मीनार, आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। सागर फर्नीचर निम्म मने मत्तष्टु अंदगोळिसलु गुलबर्गादल्ली आरंभवागिदे। सागर फर्नीचर निम्म मनेगे अगत्यवाद सोफा सेट, डाइनिंग टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल्स, साइड टेबल्स, सेंटर टेबल्स, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ ಕೆಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, जिस्मानी और रूहानी इबादत का महीना। रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, रमजान Ramzan, Ramzan, Ramzan.